हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 4 ईवीएस कर रहे थे। बच्चों, ईवीएस में हमने चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 का नेम है बच्चों वाटर इन अवर लाइफ, मींस वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ एक पॉइंट है जो हम समझ जाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, मींस नेचुरली हमें कहाँ कहाँ से पानी मिल सकता है वो कहलाते हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। एवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होता है ये भी हम पहचानेंगे इस चैप्टर में कि इसका मतलब क्या होता है। एंड वाटर साइकिल, ऑब्वियसली वाटर साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल होती है जिसकी वजह से वाटर क्या होता है हमारा एक साइकिल के फॉर्म में हमें पहले जमीन पर मिलता है, फिर जमीन से फिर ऊपर जाता है। एवेपोरेशन की प्रोसेस है, ये एक वाटर साइकिल प्रोसेस होती है। इसका भी एक क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे, उसके बाद अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो भी सही ऑप्शन है उसको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट, रिवर सी वाटर इज सलाइन इन टेस्ट। बच्चों सलाइन इन टेस्ट मतलब होता है खारा पानी या फिर नमक मिला हुआ पानी जो होता है वो। तो कहाँ का ऐसा हमें खारा पानी देखने को मिलता है सलाइन वाटर, तो ऑब्वियसली वो सी का देखने को मिलता है ना। समुद्र का पानी कभी आपने समुद्र देखा ना, तो उसको टेस्ट करना तो उसको आपको नमकीन टाइप का पानी देखने को मिलेगा। क्लियर। सेकंड देखते हैं, सेकंड है ग्राउंड या सरफेस वाटर इज टेकन आउट बाय वेल। तो वेल्स होते हैं ना, कुएं वगैरह, तो वहां से हम क्या निकालते हैं, सरफेस वाटर तो निकालेंगे नहीं क्योंकि सरफेस तो हमारा अर्थ की सरफेस पर ही रहता है जैसे कि रिवर वगैरह। तो ग्राउंड वाटर हम वेल से निकालते हैं, ठीक है, कुएं से हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं ना, जो जमीन के अंदर रहता है वो वाला पानी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड है रेन फीड स्नो फीड रिवर्स ड्राई अप इन समर। तो ये दो तरह की रिवर्स होती है, तो इनमें से वो कौन सी रिवर होती है जो कि समर में सूख जाती है, है ना। तो ये होती है रेन फीड। क्लियर। रेन फीड रिवर्स होती है ना, वो क्या होती है, समर्स में सूख जाती है। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में लिखा हुआ है वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स बाय कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। तो वाटर जो रहता है ना पानी, वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं। तो वो प्रोसेस का नाम बताना है हमारे लिए कि वो कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन या एवेपोरेशन। तो वो बच्चों होती है एवेपोरेशन प्रोसेस। कौन सी, एवेपोरेशन। तो इस एवेपोरेशन में मैंने सर्कल कर दिया। इसके बाद लास्ट फिफ्थ पार्ट, व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी या फिर लाइट दे बर्स्ट। जब क्लाउड भारी या फिर लाइट हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं या फिर पानी के फॉर्म में, तो या फिर बस्ट, है ना। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो हैवी हो जाएगा, है ना, क्लाउड हैवी हो जाते तो वो बस्ट होने लग जाते। तो ये हो गया हमारा बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे, फिर इन द ब्लैंक्स है सेकंड वाला। सबसे फर्स्ट है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड। जब पानी प्लांट से क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है या फिर लॉस होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, टी आर ए एन एस पी आई R A T I O N, ट्रांसपिरेशन। सेकेंड पे आ जाते हैं, evaporation is faster in dense surface। evaporation जो प्रोसेस होती है वो किस सरफेस पर ज्यादा अच्छे से होती है या फिर फास्टर किस सरफेस पर होती है, तो वो लार्जर सरफेस पर होती है, L A R G E R, ओके। तो ये हो गया हमारा सेकेंड का। थर्ड पे आ जाओ, इन डैश फॉर्म वॉटर इज प्रेजेंट एट द एज द आइस एज एंड स्नो एट द पोलर आइस कैंप्स। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों सॉलिड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहता है हमारा आइस, है ना, आइस कैप्स वगैरह के फॉर्म में। तो ये हो गया बच्चों हमारा किसका, थर्ड का। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे। देखो फोर्थ में लिखा हुआ है डैश एट आर द ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ड अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। कहते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स या फिर हम बना देते हैं किसके सामने, रिवर के सामने में, ताकि रिवर का जो फ्लो होता है ना वो रुक जाता है। तो वो क्या होता है बच्चों, वो होते हैं डैम्स। आपने देखे होंगे डैम्स में क्या होता है कि हम रिवर के ऊपर डैम्स बना देते हैं ताकि उसका पानी का जो बहाव है वो फ्लो क्या हो जाता है, उसका रुक जाता है। क्लियर। तो डैम्स हो जाएगा फोर्थ का आंसर। उससे डैम से हम क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज किया जाते हैं डैम्स। डैम्स के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्लियर। जो पानी बह जाता है उसको हम रोक लेते हैं, तो वो पानी हमारे काम आता है, इस वजह से डैम्स बनाए जाते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, ठीक है, वो हम कभी और पढ़ेंगे। फिफ्थ, अ सी इज डेस देन एन ओशियन।
सी जो रहती है हमारी वो कैसी होती है, स्मॉलर देन ओशियन, ओशियन बहुत बड़े होते हैं, सी उससे छोटी होती है, एस एम ए डबल एल ई आर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसका आंसर, फिफ्थ का आंसर, मींस सेकंड पार्ट हो चुका है वो हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। बच्चों थर्ड वाले में लिखा हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग, मींस हमें इनको डिफाइन करना है, क्लियर। डिफाइन में सबसे पहले देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है, डिफाइन द फॉलोइंग में सबसे पहले एवेपोरेशन, क्लियर। एवेपोरेशन को हमें डिफाइन करना है, तो द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवेपोरेशन। जब पानी भाप में कन्वर्ट होना लग जाता है या फिर वेपर्स में कन्वर्ट होना लग जाता है उसको हीट करने से, तो वो एवेपोरेशन होता है, मींस पानी का भाप में कन्वर्ट होना एवेपोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलिंग आर कॉल्ड कंडेंसेशन। बच्चों जब ये वाटर वेपर्स होती है ना, जब ये वापिस से पानी में कन्वर्ट हो जाती है, व्हेन वाटर वेपर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वाटर और लिक्विड, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, क्लियर। तो कंडेंसेशन ये होती है, मीन्स पूरी तरह से वेपर्स का पानी में कन्वर्ट होना हो जाना कंडेंसेशन होता है। थर्ड आ जाओ, थर्ड जो हमारा डिफाइन वाला था वो था सलाइन वाटर, मीन्स नमक वाला पानी है ना, खारा पानी। द वाटर हैविंग हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड इज कॉल्ड सलाइन वाटर। तो बस जिसमें सॉल्ट मिला हुआ पानी होता है तो वो सलाइन वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा क्या, ये वाला पार्ट कंप्लीट, थर्ड वाला डिफाइन द फॉलोइंग। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग, मींस हमें इस फ्लो चार्ट को क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। अगर हम देखें तो देखो मैंने इसका आंसर भी लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल मतलब जो हमें भगवान की तरफ से मिलते हैं, मीन्स वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, जैसे रेन वाटर है ना, ग्राउंड वाटर, ठीक है, और सरफेस वाटर, ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर होते हैं। और सरफेस वाटर वो होता है जो जमीन पर हमें मिलता है, जैसे कि ओशियन में पानी रहता है, सी में, रिवर में, लेक में, है ना। लेकिन ग्राउंड वाटर क्या होता है, जमीन के अंदर से जो हमारी बोरिंग वगैरह होती है उसमें, है ना, मशीन से हम पानी निकालते हैं जो। तो बच्चों ये हो गया फोर्थ वाला पार्ट। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, तो हमें क्या बताने, अंतर बताने। तो इसके आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, सबसे पहले ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। तो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर किस में क्या डिफरेंस होता है, अभी अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया। ग्राउंड वाटर, दिस इज अ वाटर लेइंग बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ की सरफेस के नीचे जो पानी रहता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। जैसे कि वेल्स से हम निकाल सकते हैं, कुएं वगैरह जो रहते हैं, हैंडपंप से जो पानी निकालते हैं वो भी ग्राउंड वाटर ही होता है। सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में लिखा हुआ है दिस इज द वाटर लेइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ की सरफेस के ऊपर जो पानी होता है वो कहलाता है हमारा सरफेस वाटर। जैसे कि लेक्स, सी, ओशियन, इन सब में जो पानी रहता है ना वो होता है हमारा ग्राउंड वाटर, ठीक है। सेकेंड है रेनफेड रिवर और स्नोफेड रिवर। तो रेनफेड रिवर देख लेते हैं सबसे पहले, द रिवर विच आर फॉर्म्ड बाय रेन वाटर आर कॉल्ड रेनफेड रिवर। वो रिवर्स, वो नदियां जो कि पानी के गिरने की वजह से बनती है वो कहलाती है रेनफेड रिवर। जैसे कि कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो रिवर होती है वो है हमारी रेनफेड रिवर। सेकेंड है स्नोफेड रिवर, स्नोफेड रिवर होती है द रिवर विच आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स आर कॉल्ड रेनफेड रिवर्स, मीन्स वो रिवर्स जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से बनती है वो कहलाती है स्नो फेड रिवर्स, या फिर स्नो के पिघलने की वजह से, बर्फ के पिघलने की वजह से जो रिवर बनती है वो स्नो फेड रिवर कहलाती है। एग्जाम्पल गंगा या यमुना, ठीक है। सेकेंड का हो गया। अब थर्ड वाला जो था वो था कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, इसमें क्या डिफरेंस हमें वो बताना था। सबसे पहले कंडेंसेशन, फिर मैंने लिखा है प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन देखते, इन कंडेंसेशन वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट। कंडेंसेशन में वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में। एग्जाम्पल ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स, जो ड्यू ड्रॉप्स होती है ना लीव्स में, कई बार जब आप सुबह सुबह अगर आप किसी गार्डन में जाते हो तो लीव्स पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी आपको देखने को मिल जाता होगा, तो वो कहलाता है ना कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन, द प्रेसिपिटेशन वाटर ड्रॉपलेट्स इन अ क्लाउड फॉल्स बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेन और स्नो, ये सब प्रेसिपिटेशन होता है कि मीन्स यहाँ से इवेपोरेट होकर ऊपर गया और वहां से क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में हमारे लिए नीचे या फिर लिक्विड फॉर्म में गिरता है, तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो तीन ही आई थिंक डिफरेंसेस थे, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। फिफ्थ वाला पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब सिक्स्थ वाला पार्ट हम करते हैं।
तो सिक्स्थ वाले पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर देने। फर्स्ट है लिस्ट द फैक्टर दैट इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन, क्या क्या वो फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन का रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। देखो कितने छोटे आंसर्स लिखने की हमने कोशिश की है। सबसे पहले अगर देखें तो विंडी, अगर जितनी ज्यादा हवा चलेगी उतनी जल्दी एवेपोरेशन प्रोसेस होगी। सनी, जितना ज्यादा गर्म मौसम होगा उतना ज्यादा। लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लार्ज कर दो तो उतना ही ज्यादा एवेपोरेशन होगा। सेकेंड एक्सप्लेन द वॉटर साइकिल विद द डायग्राम, मैंने बहुत छोटा आंसर लिखने की कोशिश की यहाँ पे। देखो द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वॉटर इन डिफरेंट फॉर्म विद द विद इन द अर्थ एंड इट्स एटमोसफियर आर कॉल्ड वॉटर साइकिल। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस मूवमेंट होता है ना पानी का या फिर वॉटर का अलग अलग फॉर्म में अर्थ के एटमोसफियर में रहते हुए, वो कहलाता है वॉटर साइकिल। ठीक है, तो ये होता है हमारा वॉटर साइकिल। और इन्हें डायग्राम बनाने के लिए भी बोला था तो मैंने यहाँ पे एक फोटो अटैच किए, इसका डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। बच्चों कभी भी जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो ये जो लिखे हुए रहते हैं ना, ये कंडेंसेशन, एवेपोरेशन, कलेक्शन, ये सब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों। अगर आपकी ड्राइंग खराब भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखे तो आपके गलत इंप्रेशन पड़ता है और आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्राइंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये लिखना जरूरी रहता है, क्योंकि उससे हमें प्रोसेस के बारे में पता चलता है कि कौन सी प्रोसेस हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं बच्चों, तो कभी भी डायग्राम दिया हो तो आप ये जरूर लिखा करो, उसमें जो भी लेबलिंग हो जाती है वो करा करो। आते हैं बच्चों हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में लिखा हुआ है व्हाट आर कंडेंसेशन, सॉरी व्हाट आर कंडीशन विच फेवर एवेपोरेशन, कौन कौन सी कंडीशंस है जो एवेपोरेशन प्रोसेस को फेवर करती हैं। तो सबसे पहले लिखा है द कंडीशन विच फेवर एवेपोरेशन आर, वही सेम विंडी, सनी, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, सेम आंसर है तो बहुत इजीली याद हो जाएगा आपके लिए। फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में लिखा हुआ है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन डेली लाइफ, कह रहे दो दो एग्जाम्पल दो एवेपोरेशन का भी और कंडेंसेशन का भी जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। सबसे पहले मैंने एवेपोरेशन के एग्जाम्पल दिए हैं, स्टीम कमिंग आउट ऑफ बॉइलिंग वाटर। एवेपोरेशन जब भी अपन पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है ना, तो वो एक एग्जाम्पल है हमारा एवेपोरेशन का। वाटर वेपर कमिंग आउट ऑफ अ हॉट कप ऑफ टी, आप चाय तो पीते ही होंगे बच्चों, तो चाय जब हम पीते हैं तो उसमें से भी क्या होती है भाप निकलती है ना, तो वो वेपर जो रहती है वो भी हमारी किसका एग्जाम्पल है एवेपोरेशन का। अब कह रहे हैं कंडेंसेशन के भी एग्जाम्पल दो, तो कंडेंसेशन में लिखा है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कोल्ड वाटर बॉटल। जब भी ठंडी वाटर बॉटल अपन बाहर रखते हैं फ्रिज से तो क्या होता है उसकी आउटर सरफेस पर क्या हो जाती है, पानी पानी टाइप का आ जाता है ना, तो वो भी एक एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। इसके बाद वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लेट कवरिंग विद अ पैन ऑफ हॉट सूप। कई बार जब गर्म जो भी कंटेनर होता है उसके ऊपर अगर थाली या फिर कुछ भी अपन ढक देते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसके जब नीचे वाला जो सरफेस रहता है वहां पे क्या होती है ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती है, तो वो भी एक एग्जांपल हमारा कंडेंसेशन का। ठीक है, तो ये हमने रियल लाइफ एग्जांपल बच्चों लिख दिए। तो ये चार चौथा आंसर हुआ, तो हमारे चार ही आंसर थे बच्चों इस चैप्टर में, मीन्स चार क्वेश्चन ही थे, तो हमने चार के चार कंप्लीट कर लिए। इसके बाद मतलब इस हिसाब से हुआ हमारा चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट। चैप्टर 15 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। बाकी अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।